एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोग देखेंगे मैं कितना तैयार हुई हूँ, क्योंकि आज मेरी बर्थडे है और आज मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करूँगी केक की। तो आपके साथ मैं एक रेसिपी शेयर करूँगी चीज़ केक की। नो बेक चीज़ केक है और मैं आपको बताऊँगी। बस कुछ इतना ख़ास नहीं किया, बस घर पे हम लोगों ने खाना ही ऑर्डर किया और मैंने केक बनाया, और वो केक की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप आपको वो रेसिपी पसंद आए। और बस यही था आज का दिन, कुछ ना तो कहीं गए, बस इतना काम है आजकल, इतना वर्कलोड है, इतना वर्कलोड है कि कुछ टाइम ही नहीं मिला किस चीज़ करने के लिए। बस ये किया कि हम लोगों ने क्या सेलिब्रेशन थी कि घर में ही खाना ऑर्डर कर दिया और बस, और मैंने केक बनाया। हमेशा हम बाहर से ही ऑर्डर करते हैं, तो आई थॉट टू डू समथिंग डिफरेंट। सो व्हाट डिफरेंट वी कैन डू इज़ जस्ट आई हैव बेक्ड अ केक, नॉट बेक अ केक, इट्स अ नो बेक चीज़ केक। सो लेट्स गेट इनटू द बर्थडे। तो ये जी हमारा खाना आ गया, अभी हमने ऑर्डर किया है, ये मिक्स प्लेटर मंगवाया है, चिकन टिक्का और ये नान। तो हम पार्टी इंजॉय करेंगे। To you, happy birthday, dear Hazel. Happy birthday to you. तो जी, सबसे पहले हम अपने नो बेक चीज़ केक की क्रस्ट को रेडी करते हैं। और सबसे पहले जो चीज़ें हमें चाहिए वो है 1 पैक डाइजेस्टिव बिस्किट ली है। इसको अच्छे से इसको पाउडर बना लें, और मैंने यहाँ पे पीकन्स लिए हैं। मैं आप चाहें तो इसको ले लें या इसको ओमिट कर दें, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन इसके साथ इसका क्रस्ट का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। दोनों चीज़ों को पाउडर बनाते हैं और फिर इसको स्टेप बाई स्टेप सारा काम करते हैं। यहाँ पे बिस्किट का क्रम्बल बिल्कुल रेडी हो गया, और ये देखेंगे ऊपर मैंने ये पीकन्स को भी अच्छे से ग्राइंड कर लिया और इसका अच्छा सा फाइन पाउडर बना लिया। अब इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून बटर के ऐड करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करें। तो जी हमारा अच्छे से क्रस्ट बिल्कुल इसके अंदर बटर मिक्स हो गया, मेल्टेड बटर इसके अंदर मिक्स हो गया। आप देख सकते हैं किस तरह की इसकी शेप है, इसकी शक्ल है। अब इसको हम अपने पैन में ट्रांसफ़र करते हैं। ये मैंने एक बेकिंग पैन लिया है, इसके अंदर ये सारा मिक्सचर, ये जो क्रस्ट है, हम इसकी अब बिस्किट्स का पाउडर है, इसको हम इसके अंदर डालते हैं और सेट करते हैं। पहले इसकी साइड्स को आप कर लें अच्छे से, चम्मच की मदद से कर लें, हाथ से कर लें, जैसे आपको अच्छा लगता है, बेहतर लगता है आप ऐसे कर लें। इवन करते हैं, इवन आउट इसको करते जाएं। तो जी देखें हमारा क्रस्ट बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसको फ्रिज में रखते हैं 10 से 15 मिनट के लिए, और इन द मीन टाइम हम अपनी क्रीम चीज़ को रेडी कर लेते हैं। जो चीज़ फिलिंग करनी है हमें उसको रेडी करते हैं। हम अपने क्रीम चीज़ की फिलिंग तैयार करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे क्रीम चीज़, जो कि मैं ले रही हूँ 240 ग्राम्स। तो जी सबसे पहले हम अपनी क्रीम चीज़ को बीट कर लेते हैं। तो जी यहाँ पे हमारी क्रीम चीज़ बिल्कुल अच्छे से बीट हो गई। अब हम अपनी सावर क्रीम इसके अंदर ऐड करेंगे और साथ ही कुकिंग हैवी हैवी क्रीम इसके अंदर डालेंगे। तो जी साथ ही हम इसके अंदर सावर क्रीम ऐड करने लगे 100 ग्राम्स। इसको भी हम थोड़ा सा बीट करेंगे, बस एक मिनट के लिए। इसके अंदर मैं ऐड करने लगी हूँ 2 टेबलस्पून ऑफ लेमन जूस। अच्छे से इसको मिक्स कर लें। यहाँ मैंने न्यू बोल में 100 ग्राम्स ऑफ क्रीम चीज़, हैवी 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 क्रीम ली है, जिसको हम विप करेंगे और इसके स्टिफ पीक्स बनाएंगे। और साथ ही इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे 1/2 कप। हमारी विप हो गई है, हम अब इसको अपने पहले वाली क्रीम मिक्सचर में ऐड करते हैं।
अभी मैंने इसको क्रस्ट को बाहर निकाले और इसके ऊपर मैंने ये क्रीम चीज़ वाला मिक्सचर पोर किया। तो चलें इसको फ्रिज में रख देते हैं 4-5 घंटे के लिए और फिर इसको देखेंगे कैसा बना है। केक को यहाँ पड़े हुए फ्रिज में 4-5 घंटे हो गए हैं। ये देखें आप इसकी शक्ल देखें। अब मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फ्रूट काट के रखा हुआ है। अब मैं इसको फ्रूट के साथ सर्व करती हूँ। यहाँ मैं केक को निकालती हूँ मोल्ड से बाहर और आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा केक बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं आपको इसको गार्निश करके दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी साइड्स। आप इसको किसी तरह भी गार्निश कर सकते हैं, चाहे तो इसको इसके पकी हुई रख लें, चाहे इसके ऊपर स्ट्रॉबेरीज रख लें, ब्लूबेरीज रख लें, जैसे आपको पसंद है आप इसको अपनी पसंद से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो जी ये देखें हमारे केक की फाइनल लुक। अभी मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ।